बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के बाद जिस एक्टर को दर्शकों ने तहे दिल से चाहा, सराहा और जिन्होंने उस जमाने के सभी अवार्ड्स पर अपना कब्जा जमा के रखा, वो थे एक्टर राजेश खन्ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज उगता है तो सूरज ढलता भी है। यकीनन राजेश खन्ना के लिए ये दौर काफी बुरा था जब उनका उगता हुआ सूरज ढल रहा था। लेकिन उस जमाने में राजेश खन्ना को अपनी अदाकारी से कड़ी टक्कर दे रहे थे अमिताभ बच्चन। जिस समय अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में कदम रखा उस समय राजेश खन्ना ऑलरेडी सुपरस्टार थे। इन दोनों ने एक साथ दो फिल्मों में काम किया, आनंद और नमक हराम। आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही फिल्मों से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप डेफिनेटली एंटरटेन होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले फिल्म आनंद से। फिल्म आनंद साल 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे जो कि कैंसर के मरीज थे। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आनंद जैसी सुपरहिट फिल्म के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को अप्रोच किया। जब उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म आनंद की कहानी सुनाई तो धर्मेंद्र को ये कहानी जबरदस्त लगी। फिल्म की कहानी सुनते ही धर्मेंद्र ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, दरअसल अखबार में खबर छपी कि ऋषिकेश मुखर्जी की अगली फिल्म के हीरो होंगे राजेश खन्ना। जब धर्मेंद्र तक ये खबर पहुंची, तो वो बेहद नाराज हुए और एक दिन शराब पीकर उन्होंने देर रात ऋषिकेश मुखर्जी को कॉल किया और उनसे कहा कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की और उन्हें समझाते रहे कि हम कल सुबह बात करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र, जो उस समय अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, वो लगातार एक ही सवाल दोहराए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब राजेश खन्ना को इस खबर के बारे में पता चला तो वो तुरंत ऋषिकेश मुखर्जी के पास जा पहुँचे। राजेश खन्ना उस जमाने के सुपरस्टार थे और ऋषिकेश मुखर्जी उन डायरेक्टर्स में से एक थे जिनका किसी फिल्म के साथ नाम जुड़ने का मतलब ही यही था कि वो फिल्म सक्सेसफुल होनी ही होनी है। ऐसे में राजेश खन्ना ने इस मौके का फायदा उठाया। वो ऋषिकेश मुखर्जी से मिले और उन्हें उनकी आने वाली फिल्म में खुद के लिए रोल निकालने के लिए कहा। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे कहा कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको मेरी तीन शर्तें माननी होंगी। पहला, टाइम पर आना होगा। दूसरा, जितनी मुझे डेट्स चाहिए उससे ज्यादा देनी होंगी। और तीसरा, 1,00,000 रुपए की फीस में आपको बतौर एक्टर इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभानी होगी। राजेश खन्ना ऋषिदा की इन बातों को सुनकर पहले तो थोड़े से चौंके, लेकिन फिर उसके बाद अपनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो ऋषिदा की सभी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। माना जाता है कि उस जमाने में राजेश खन्ना एक एक फिल्म के लिए 8,00,000 रुपए फीस लेते थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की इन तीन शर्तों के सामने राजेश खन्ना ने घुटने टेक दिए और 1,00,000 रुपए में इस फिल्म में काम करने को राजी हो गए। इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री बन गई, क्योंकि फिल्म आनंद अपने जमाने की जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म उनके करियर की काफी इम्पोर्टेंट फिल्म थी और राजेश खन्ना और ऋषिदा की बदौलत उनके करियर का ग्राफ आगे बढ़ने वाला था। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता का फायदा न सिर्फ राजेश खन्ना को हुआ बल्कि अमिताभ बच्चन को भी हुआ। लेकिन एक और फिल्म जिसमें राजेश खन्ना लीडिंग एक्टर थे और अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग कास्ट में थे, वो फिल्म भी अमिताभ बच्चन के करियर की बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी और ये फिल्म थी नमक हराम। इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी, क्योंकि उस समय में राजेश खन्ना काफी बिजी एक्टर हुआ करते थे। इस वजह से फिल्मों के शेड्यूल उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से रखे जाते थे। ऋषिदा भी इस बात से परेशान थे, लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना के साथ ऑलरेडी इस फिल्म को प्लान किया जा चुका था, लिहाजा ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन की अवेलेबिलिटी होने की वजह से फिल्म में अमिताभ बच्चन के ज्यादातर सीन्स पहले ही शूट कर लिए। और फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म को दिखाया जाने वाला था, उस समय अमिताभ बच्चन के लगभग पूरे सीन्स शूट हो चुके थे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म को दिखाया गया। फिल्म के सीन्स को देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगा कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस में हैं। एक नए एक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना दाव नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी उस जमाने के सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक थे, वो ऋषिकेश मुखर्जी को सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन के लिए ना नहीं कह पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने अमिताभ बच्चन की अपीयरेंस और उनके हेयर स्टाइल पर मीन मेक निकालने शुरू कर दिए। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी अपनी स्टार कास्ट से पूरी तरह से कन्विंस थे, लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटर्स को घुटने टेकने पड़े। और आखिरकार जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये पता चला कि राजेश खन्ना ही इस फिल्म के लीडिंग एक्टर हैं, तो वो भी सैटिस्फाइड हो गए। आखिरकार आया वो समय जब इस फिल्म को रिलीज किया गया,
लेकिन जिस समय ये फिल्म बनकर रिलीज हुई उस समय तक राजेश खन्ना की 3 से 4 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और वहीं अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में जबरदस्त हिट हो गईं और ऐसा पलड़ा पलटा कि उसके बाद राजेश खन्ना का चमकता हुआ सूरज डूबने लगा और अमिताभ बच्चन का डूबा हुआ सूरज उगने लगा। यूं तो ये दोनों ही एक्टर बॉलीवुड के धुरंधर एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप इन दोनों में से किस एक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।